हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। ओके, तो थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, बट आपका ये टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। तो जो लोग लाइव आ चुके हैं प्लीज़ एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आपको सारे क्वेश्चन को मैं सलूशन बता सकूं। तो जिनको भी नोटिफिकेशन मिल गया है तो प्लीज़ कमेंट करके एक बार बता दीजिए, तो उसके बाद हम लोग ये टेस्ट अपना स्टार्ट करते हैं। ओके, जल्दी से कमेंट करके बताएं। चलिए स्टार्ट कर लेते टेस्ट को। तो बताइए पहले का आंसर क्या होगा, मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है? पहले का आंसर बताएं। ओके, पंद्रमे का डी, सॉरी पहले का डी बता रहे हैं, पंद्रमा का बता रहे हैं ये। तो देखिए पहले का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7। ओके, बफरिंग, सॉरी थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, बट आप एडजस्ट कर सकते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, दूसरे का बताएं, जल्दी से कमेंट करिए। वेरी बफरिंग। दूसरे का आंसर जल्दी से बताएं कमेंट करके। तो देखिए दूसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्पियर। तीसरे का बताइए, एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? तीसरे का आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए। तीसरे का आंसर जल्दी से बताएं, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है बट। ओके, चलिए तीसरे का बताइए। तो देखिए तीसरे का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, 746 वाट। अगला बताइए चौथे का, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुमेलित है? सभी लोग एक बार वीडियो को रिफ्रेश कर लीजिएगा, आपका चालू हो जाएगा। ओके, तो चौथे का देखिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, विद्युत प्रतिरोध वाट। दूसरे का आंसर बताइए, एक प्रकाश वर्ष का मात्रक कितना होता है, मान कितना होता है? यहाँ पे मात्रक लिखा हुआ है बट यहाँ पे मान होगा। ओके, पांचवे का आंसर बताएं। ओके, देखिए पांचवे का पहला होगा 9.46 × 10^15 मीटर। छठे का बताइए, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? आप लोग रिफ्रेश। सातवें का बताइए कि सातवें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान। 10 सेकंड का मैं टाइम दूंगा, अगर 10 सेकंड में नहीं देते आप क्वेश्चन का आंसर तो मैं आंसर बता दूंगा। ओके, जूम करते हैं। नौवे का आंसर बताएं, नौवे का हो जाएगा सी, न्यूटन का प्रत्यक्ष संरक्षण के किस सिद्धांत पर आधारित है? यह सिद्धांत किस नियम का अनुसरण करता है? दसवें का आंसर बताएं, थोड़ा प्रॉब्लम है बट आप एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा रिफ्रेश वीडियो को कर सकते हैं यूट्यूब की सेटिंग में जाके। देखिए दसवें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ग्यारहवें का देखिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, अपकेंद्र। बारहवें का आंसर क्या होगा,
12वें का देखिए आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 1/6 भाग। 13वें का बताइए, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? बफरिंग। देखिए 13वें का आंसर क्या होगा, 13वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी त्वरण। ओके टाइम चेंज कर देते हैं, कल से आपको 10:30 पर वीडियो लाइव टेस्ट मिलेगा ओके डेली, तो आप डेली 10:30 आ जाइएगा, आपको लाइव टेस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। अगला बताइए, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? चौदहवें का आंसर क्या होगा, तो चौदहवें का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है हमारा, लालटेन एवं लैम्प की बत्ती में तेल का चढ़ना किस नियम का उदाहरण है? ये शायद सभी को पता होगा। देखिए 15वें का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी केशिकत्व का नियम ओके। अगला बताइए, हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसका आंसर बताएं। 16वें का, तो देखिए 16वें का हो जाएगा ऑप्शन ए पास्कल का नियम ओके। सभी लोग कमेंट करके आंसर देते रहिएगा, मैं सभी का कमेंट पढ़ रहा हूँ। और एक काम जरूर करिएगा, वीडियो को जरूर जरूर लाइक कर लीजिएगा ओके। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा इधर कर देते हैं जिससे आपको दिखे। 17वें का बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य आर्कमिडीज के नियम का अनुसरण नहीं करता है? 17वें का आपको दिख रहा होगा, जल्दी से बताएं। तो 17वें का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सीटी स्कैन ओके। अगला बताइए, वायु दाब मापी या बैरोमीटर की रीडिंग का अचानक नीचे गिरना किस घटना का संकेत है? 18वें का बताइए, 18वें का क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी तूफानी मौसम का ओके। अगला बताएं, ध्वनि जो होती है किस प्रकार की तरंग होती है? 19वें का आंसर क्या होगा, तो देखिए 19वें का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुदैर्ध्य किरण है ओके। नेक्स्ट है हमारा, इसे करना है असुमेलित तथ्यों को पहचानी है, 20वें का बताएं। तो देखिए 20वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अवरक्त किरण रिटर। 21वें का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अगला बताइए, घरों में विद्युत सप्लाई हेतु किस धारा का संचरण किया जाता है? 22वें का क्या होगा, 22वें का देखिए क्या होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए प्रत्यावर्ती धारा एसी करंट अल्टरनेट करंट ओके। नेक्स्ट बताइए, 23वें का, ट्रांसफार्मर जो होता है किस नियम पर आधारित क्रिया करता है? 23वें का क्या होगा, जल्दी से कमेंट करिए। तो देखिए 23वें का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत। अगला बताएं, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है?
24 का जो आंसर होगा क्या होगा, तो देखिए 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपतल लेंस। अगला बताइए, हमारी आंखें किस लेंस की भांति कार्य करती हैं? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, आप आपको पता होना चाहिए किसका आंसर क्या होगा। ओके, 25 का आंसर क्या होगा, तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। ओके, 26 का बताइए, किसी भी व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए कितने बड़े दर्पण की आवश्यकता होती है? 26 का बताएं। 26 का आंसर जल्दी से बताइए। तो देखिए 26 का भी ओके, व्यक्ति की लंबाई का आधा, विवेक कुमार ने बताया। अगला बताइए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है? 27 का बताएं। 27 का डी, धर्मवीर ने बताया ऑप्शन डी, वेरी गुड, तारों का टिमटिमाना, वेरी गुड। अगला बताइए, अपवर्तन के नियम का उदाहरण नहीं है? 28 का बताएं। 28 का आंसर क्या होगा, सभी लोग कमेंट करते रहिएगा और वीडियो को लाइक करते रहिएगा। ओके, देखिए 28 का हो जाएगा ऑप्शन ए, श्यामपट का काला दिखाई देना। ओके, अगला बताइए, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, 29 का बताइए। 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीला, हरा और लाल। अगला बताएं, सबसे कम विचलन लाल रंग में होता है जबकि सर्वाधिक विचलन किस रंग में होता है? 30 में का बताएं। 30 में का आंसर ओके, वेरी गुड। अगला बताइए, प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? 31 का बताइए। 31 का आंसर क्या होगा, तो देखिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्षेपण। नेक्स्ट बताइए, थोड़ा सा आप बताइए, असुमेलित तथ्य को बताइए, 32 का क्या होगा? तो देखिए 32 का जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, मोमबत्ती प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। अगला बताइए, जल का घनत्व किस सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है? 33 का बताएं। तो देखिए 33 का जो आंसर रहने वाला है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगला बताइए, 34 का, सभी लोग कमेंट करते रहिएगा और वीडियो को लाइक करते रहिएगा। ओके, 34 का आंसर सी बता रहे हैं अंकित यादव, वेरी गुड, ऑप्शन सी सोनार। 35 का बताइए, मुद्रा नोट की प्रमाणिकता जानने हेतु किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? 35 का बताएं। तो 35 का आंसर हो जाएगा पराबैंगनी किरण है। ओके, 36 का बताइए, अवरक्त तरंगों का उपयोग नहीं किया जाता है?
36 का पता है। तो 36 का होगा ऑप्शन डी, पेट्रोल संसाधनों का पता लगाने में। अगला बताइए 37, किन तरंगों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? सैतीस का क्या होगा? तो 37 का बी, ओके वेरी गुड, गामा किरणों की। अगला बताइए, व्यतिकरण का उदाहरण नहीं है। 38 का बताएं। तो देखिए 38 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धुएं का फैलना। अगला बताइए, विसरण का उदाहरण नहीं है। 39 का बताएं। उनतालीस का क्या होगा? ओके अरुण ने बताया, होलोग्राफी, वेरी गुड। अगला बताएं, प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा डीसी में परिवर्तित करने वाली युक्ति का नाम क्या है? 40 का बताएं। चालीस का आंसर ओके रवि यादव ने बताया, ए रेक्टिफायर, वेरी गुड। अगला बताएं, विद्युत की सर्वोत्तम सुचालक कौन सी धातु को माना जाता है? 41 का बताएं। इकतालीस का डी बताया है प्रमोद कुमार यादव ने, वेरी गुड, चांदी। अगला बताएं, विद्युत बल्ब में किस धातु का तंतु फिलामेंट प्रयोग किया जाता है? 42 का बताएं। 42 का सी सनोज कुमार ने बताया, सी टंगस्टन धातु का, वेरी गुड। अगला है, घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं, तितला। 43 का बताएं। 43 का ए बता रहे हैं, ओके। तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समानांतर क्रम में। रसायन विज्ञान के कुछ क्वेश्चन हैं जिनको आप देख सकते हैं। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है? 44 का बताएं। तो देखिए 44 का हो जाएगा सी, अमीषा चौहान ने बताया, लेवासी है, वेरी गुड। अगला है, परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, परमाणु नाभिक के चारों ओर कौन कौन चक्कर लगाते हैं? 45 का बताएं। ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन। अगला बताइए, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। 46 का बताएं। 46 का आंसर का डी, वेरी गुड, पानी का चीनी में घुलना। अगला बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि खाद्य सामग्री संरक्षण को प्रोत्साहन देती है? 47 का। ए बता रहे हैं सनोज कुमार। तो देखिए 47 का होगा ऑप्शन नंबर सी, पाश्चुरीकरण। ओके अगला बताइए, कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? 48 का बताएं। तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वेरी गुड, पारा। अगला बताएं 49 का, निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है? जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। ओके सभी लोग एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा प्लीज़, आप सभी से रिक्वेस्ट है।
वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ओके, और इसका आंसर बताएं। 49 का बता रहे हैं नूतन कुमारी, 49 का ए बता रहे हैं। तो देखिए 49 का होगा ऑप्शन डी। दीप कुमार ने बताया कुलदीप। अगला बताइए अर्धचालक तत्वों को बताइए। 50 का, 50 का सी बता रहे प्रमोद सोनी। ओके वेरी गुड, ए और बी दोनों। अगला बताइए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वायु क्या है। वायु क्या है अब बताइए। 51 का बी अमीषा चौहान ने बताया, मिश्रण। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इसके बाद अगर अगला टेस्ट देना चाहते हैं तो एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसके बाद मैं कुछ देर में अगला टेस्ट स्टार्ट कर दूंगा साइंस का ही, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे इसके आगे के क्वेश्चन। ओके, कमेंट करके बताएं कि आपको अगला टेस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। अभी मैं तुरंत 10 मिनट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, 10 मिनट में, अभी 10 मिनट बाद। चाहिए कि नहीं चाहिए एक बार कमेंट करिए। नीतीश कुमार ओझा बता रहे यस सर। ओके चाहिए। ओके, अभी थोड़ी देर में मैं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ, जो आपको आगे के क्वेश्चन होंगे 52 से। ओके, तो सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।